नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिनभर की तमाम खबरों के साथ मैं जूही प्रधान। खबरों में सबसे पहले नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। खबरें अब विस्तार। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर एम्स दिल्ली की टीम ने किया एमजीएम अस्पताल का निरीक्षण। लेडी के कल्याण विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने घर में की चोरी, नगद और गहने ले उड़े चोर। उलीडी में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी, मामला थाने में हुआ दर्ज। और महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने की पूजा अर्चना। अब खबरें विस्तार से। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे एम्स द्वारा एमजीएम अस्पताल के निरीक्षण की। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर गठित टीमों में शुक्रवार को एम्स दिल्ली की 4 सदस्यीय टीम निरीक्षण करने पहुंची। निरीक्षण में टीएमएच अस्पताल के डॉक्टर केपी दुबे भी मौजूद थे। निरीक्षण के दौरान टीम ने एमजीएम अस्पताल के सभी विभागों का दौरा किया। सुबह 11 बजे टीम ने निरीक्षण शुरू किया जो कि 5 घंटे तक चला। सभी विभागों में निरीक्षण करने के बाद टीम ने अस्पताल में खामियां ही पाई। टीम में मौजूद डॉक्टर सरनजीत ने बताया कि एमजीएम अस्पताल को एक नए भवन की जरूरत है। यहां रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट में लगे सिटी स्कैन मशीनें काफी पुरानी हैं, उसे बदलने की जरूरत है। साथ ही पुराने अस्पताल को अपग्रेड करने की आवश्यकता है। अस्पताल परिसर में गंदगी का अंबार लगा हुआ है जिसे साफ करने की जरूरत है। निरीक्षण के बाद टीम की ओर से रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य मंत्री को सौंपा जाएगा। इसी के आधार पर एमजीएम अस्पताल के सूरत को बदलने की कवायद शुरू की जाएगी। ज्ञात हो कि इससे पहले भी 2 टीम द्वारा अस्पताल का निरीक्षण किया जा चुका है, पर अस्पताल की स्थिति जस की तस बनी हुई है। दिल्ली से आए हैं डॉक्टर सरन और अस्पताल को मतलब किस बेहतर बनाने के लिए किस तरह की क्या जरूरत है ये देख रहे हैं, क्या कमी है, क्या मतलब इसमें की जा सकती है। क्या नाम है डॉक्टर का? डॉक्टर सरन। हॉस्पिटल को थोड़ा सा अपग्रेड करने की ज़रूरत है। बिल्डिंग में रखरखाव में थोड़ा सा ठीक होना ज़रूरी है। एक बार वो ठीक हो जाएगा, कई जगह पे नई बिल्डिंग चाहिए। जैसे रेडियोलॉजी में बहुत पुराना सीटी स्कैन है, वहाँ पे रेडियोलॉजी का सब नया सामान चाहिए। जो हमारे रिकमेंडेशन होंगी वो बता के हम बताएंगे एक बार, उसके बाद देखते हैं क्या कमियाँ पाया था अभी तक। क्या देखिए, बिल्डिंग के रखरखाव को एक नई बिल्डिंग की ज़रूरत है यहाँ पे, इसके अलावा साथ में एक बार वो हो जाएगा तो चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव हो जाएंगी। उलीडी थाना क्षेत्र के कल्याण विहार कॉलोनी में चोर गिरोह ने घर के दरवाजे का ताला काटकर 70,000 नगद और 1.5 लाख रुपए के गहने की चोरी को अंजाम दिया। इधर गृहिणी शीतल अग्रवाल ने बताया, गुरुवार को दिन में वे लोग पूरा परिवार साक्षी में पार्टी में गए थे। चोर गिरोह ने दिन दहाड़े घर के बाहरी दरवाजा में लगे ताले को काट कर घर में रखे 70,000 रुपए नगद और 1.5 लाख रुपए के गहने की चोरी कर ली। इस संबंध में उलीडी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है। इसमें ताला लगा हुआ था। ये हम लोग सुबह कम से कम 11:30-12 बजे निकले थे, फिर उसके बाद बस रात में आए हैं तो देख रहे हैं गेट टूटा पड़ा था। कितने बजे आप लोग आए? हम लोग आए हैं करीब 11:30 बजे। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग एक पार्टी में गए थे। कहाँ? साक्षी गए थे पार्टी में। हाँ, उसके बाद हम लोग आए तो अंदर हम लोग घुसे नहीं, फिर सभी को कॉल किए, सब लोग आए, फिर हम लोग अंदर आए, फिर पुलिस आया, सब तहकीकात किए हैं। क्या क्या चोरी हुई है आपके यहाँ से? वो कैश चोरी हुई है, गोल्ड चोरी हुआ है। कितना होगा कैश? कम से कम 70 कैश था और गोल्ड था, रिंग वगैरह। कितना का होगा गोल्ड वगैरह लगभग कितना बताऊँ? था, अच्छा था। नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। भुक्तभोगी ने उलीडी थाना में शिकायत दर्ज कराई। इधर शंकोशाही रोड नंबर 5 के रहने वाले कुमोद साहू ने बताया, 8 महीने पहले गुड़ुबासा के रहने वाले संतोष नामक व्यक्ति ने उससे नौकरी दिलाने के नाम पर 30,000 रुपए ले लिया था और ना नौकरी दिलाई और ना ही रकम वापस की।
इस संबंध में उलीडी थाना में ठगी करने की शिकायत दर्ज की गई है। पैसा का लेनदेन है? पैसा का लेनदेन है? संतोष नाम है। कहाँ रहता है? एक गुडुलवा सा पेपो होंडा के बगल में, सर्विस सेंटर के बगल में। क्या हुआ आपके साथ धोखा? मेरे साथ धोखा हुआ थी, बोला कि 30,000 रुपया दो तो हम तुमको नौकरी हेल्पर ने दिया देंगे। तो मेरा पास 15,000 रुपया था, 15,000 रुपया दो सौ लोग के हेल्प लेके और उसको 30,000 रुपया दिए। 8 महीना हो गया, अभी तक 10 महीना ने 7 तारीख को पैसा दिया। हाँ, कितना पैसा? 30,000 रुपया दिए थे। क्या बोला था आपने? मेरा बोला था हम तुमको हेल्पर ने नौकरी दिवा देंगे। तो फिर ये जब 6 महीना हो गया तो बोल रहे हैं कि क्या हुआ, काम 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 क्या हुआ। तो फिर जब 7वां महीना चाह रहा था, हम बोले ठीक है मेरा पैसा लौटा दिया, जब काम नहीं दिवाइएगा तो फिर बोलता है कि काची का पैसा। ओलीडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार की अहले सुबह ट्रक और टेम्पो के बीच टक्कर हो गई, 3 व्यक्ति घायल हो गए। हादसे के संबंध में मृत्युंजय कुमार ने बताया, घटना सुबह 5 बजे की है। ट्रक और टेम्पो के बीच भिड़ंत में 3 व्यक्ति घायल हो गए। घायलों में एक को एमजीएम अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जबकि 2 को प्राइवेट नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है। कहां जा रहे हैं? क्रम में मतलब टेम्पो वाला और टेलर कर्मी दोनों में आपस में हुआ, ठोक दिया। मतलब टेलर खड़ा था, टेलर मार दिया टेम्पो को। अच्छा, अभी चल रहा था, चलता चलते हुआ। कहां पे हुआ घटना? यही तो आपका चेक पोस्ट में हुआ, डुमना रोड में चेक पोस्ट। कितने लोग घायल हुए इसमें? 3 आदमी। 3 आदमी। 3 आदमी। कहाँ जा रहे थे? ड्यूटी आ रहे थे। पैसेंजर थे ये लोग? हाँ, पैसेंजर। और कोई और घायल लोग कहाँ गया पता है? नहीं यार, तो नहीं बता सकते। लोग का नाम हम कुछ नहीं, कुछ नहीं, मतलब 3 लोग घायल हुए थे। हाँ। सरायकेला जिले के डोबो शिव मंदिर प्रांगण से भव्य कलश यात्रा निकाली गई। 501 महिलाएं इस कलश यात्रा में शामिल हुई। डोबो शिव मंदिर प्रांगण से ये यात्रा शुरू हुई। महिलाएं माथे पर कलश बोझकर दो महानी नदी तट पर पहुंची, जहां से कलश में जल बोझकर महिलाएं वापस पैदल यात्रा करते हुए मंदिर प्रांगण पहुंची। शिवरात्रि के मौके पर इस विशेष पूजन अनुष्ठान का आयोजन किया गया था। ये पूजा खासतौर पर पिछले साल से शुरू किया था, भव्य मंदिर बनाया पिछले वर्ष ऐसा माघ महीना का, बांग्ला में जो बोलता है माघ महीना के 7 दिन पर निकाला गया था। परंतु इस बार जो शुभ लग्न होता है, शिव चतुर्दशी होता है, इस शिव चतुर्दशी के उपलक्ष्य पर कलश यात्रा निकाले गए। करीबन 300 महिला शिव भक्तों के द्वारा, जो कि गांव के अगल बगल में रहने वाले सब है, अड़ोस पड़ोस गाँव के जितने भी धोनीगोड़ा, रुगड़ी, पुड़सिली, गौरी, डोबो इत्यादि इत्यादि गांव से महिलाओं ने भाग लिए हैं इस पुण्य काम के लिए। पति, सास और अन्य की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा रितु कुमारी विकलांग भाई और परिवार के साथ डीसी कार्यालय पर धरने पर बैठ गई। बताया जाता है 12 फरवरी को रितु कुमारी परिवार के साथ पति और ससुराल वालों के खिलाफ न्यायालय में गवाही देकर वापस लौट रही थी। न्यायालय के बाहर पति प्रकाश चौहान ने अपने साथियों के साथ रितु और विकलांग भाई व माँ पर हमला कर दिया। घटना के खिलाफ रितु कुमारी ने सीताराम डेरा थाना में पति, सास और अन्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। 10 दिन बीत जाने के बाद भी दोषी व्यक्तियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर शुक्रवार को पीड़िता अपने विकलांग भाई और मां के साथ डीसी कार्यालय पर धरना पर बैठ गई। इधर सीताराम डेरा पुलिस धरना की खबर पाकर धरना स्थल पर पहुँच कर जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। आश्वासन के बाद धरना समाप्त हो गया। इधर पीड़िता रितु कुमारी ने मामले की जानकारी दी। वहीं सीताराम डेरा थाना प्रभारी अंजनी कुमार ने बताया, दोषी को जल्द पकड़ा जाएगा। मेरा पति प्रकाश चौहान हम लोगों कोर्ट के बाहर में मारपीट किया है, मेरी माँ को मारा है, विकलांग भाई को मारा है और मेरे को भी बहुत मार मारा था। उस दिन हम लोग केस किए हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है, कोई भी सुनवाई नहीं है। उसी मांग को लेकर हम लोग बैठे हैं, बार बार मारता है, जब जब गवाही देने जाते हैं तब तब मारता है हम लोग को। कौन सा थाना? सीताराम डेरा थाना। यहाँ क्यों बैठे धरना? अभी तक लड़का अरेस्टिंग नहीं हुआ है। वहाँ के बड़ा बाबू लोग आए हुए हैं? हाँ, आए हुए हैं। क्या बोल रहे थे? बोल रहे हैं वो हो जाएगा, आज का टाइम दो, लेकिन हम लोग नहीं उठेंगे, हम लोग अभी धरना में ही रहेंगे जब तक ले लड़के। मेरा देखिए, 12 तारीख को दोनों पक्ष थाना में आए थे, पारिवारिक विवाद है, पति पत्नी का विवाद है और दोनों अब अलग रह रहा है। एक दूसरे के ऊपर ये लोग के बीच जो कन्फ्यूज़न है, इसको लेके पिछले 6-7 बार थाना में, परसुडी थाना में, सिलगुड़ा थाना में, सीताराम डेरा थाना में
विवाद इन लोग का चले आ रहा है। उसी के मैटर में 12 तारीख को जब ये पक्ष गवाही देने गए थे, इन लोग का आरोप है कि वो मारपीट किया, इन लोग मारपीट करके लिख के दिया गया, FIR किया गया। अब इनका मांग है कि गिरफ्तार जल्द से जल्द होना चाहिए, हम लोग इसके ऊपर प्रयास कर रहे हैं। इन लोग का कहना है कि CCTV फुटेज में भी आया है, कोर्ट में हम लोग CCTV फुटेज मांगने के लिए भी दिए हैं, जब आ जाएगा उसी तरह से आगे का कार्रवाई होगा। कौन लोग मारपीट किया? पत्नी पक्ष और पति पक्ष दोनों के बीच दोनों लोग आरोप लगाए हैं एक दूसरे के ऊपर थाना में। जमशेदपुर महाशिवरात्रि के अवसर पर झारखंड पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिद्धगोड़ा स्थित सूर्य धाम पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। साथ ही भगवान से अपने परिवार के साथ साथ झारखंड के समस्त जनता के लिए सुख समृद्धि की कामना के लिए आशीर्वाद मांगा। उन्होंने कहा कि भगवान शिव अपने विष पीकर अपने भक्तों के लिए अमृत देने का काम किए हैं, उसी प्रकार सभी को समाज के बुराइयों को मिटाकर अच्छाइयों को आगे लाने का काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि महाशिवरात्रि भी यही सीख हमें देता है कि समाज के लिए अच्छा कार्य करने की आवश्यकता है, ताकि समाज से बुराइयों को मिटाया जा सके। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक बाद खबरें और भी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। हर इंसान का जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो एक कामयाब जिंदगी गुजारे, तो फिर आप क्यों नहीं, हम आपको काम सिखाकर नौकरी के लायक बनाएंगे। आप आए हमारे पास राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टिग आर्गन वेल्डिंग, मिग CO2 वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, 6G पोजीशन, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, एयर कंडीशन टेक्नीशियन, ऑपरेटिंग JCV, एक्सकवेटर, मोबाइल क्रेन, क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर, फायर एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। झारखंड का एकमात्र इंस्टीट्यूट जो नेबोश कार लर्निंग सेंटर है, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त, जहां महीने में कम से कम 2 बार कैंपस सिलेक्शन होता है। राबिया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, मस्जिद रोड, गोलमुरी, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-654-3741, मोबाइल नंबर 0980-149-5586। ब्रेक के बाद मैं जूही प्रधान आप सबका फिर से स्वागत करती हूं। जमशेदपुर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सिद्धगोड़ा के सूर्य मंदिर नए बने राम मंदिर का किया निरीक्षण। कल से एक सप्ताह तक यज्ञ एवं हर शाम राम कथा का होगा आयोजन। यज्ञ स्थल के साथ साथ राम कथा का कार्यक्रम स्थल का किया गया निरीक्षण। यज्ञ के बने कुटिया का गुंबद लगाया गया। 22 फरवरी से 28 फरवरी तक राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें 28 फरवरी को राम भगवान की मूर्ति की स्थापना के साथ साथ प्राण प्रतिष्ठा किया जाएगा। 29 फरवरी को भव्य भंडारा का आयोजन रखा गया है। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि शहर की जनता की मांग पर सूर्य मंदिर धाम स्थित इस भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य करवाया गया है। इस राम मंदिर के निर्माण कार्य में शहर की जनता का भरपूर सहयोग मिला है, जिसको लेकर उन्होंने शहर के जनता के साथ साथ राज्य की जनता को साधुवाद दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शहर और राज्य के लोगों को निमंत्रण दिया गया है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया है कि भारी संख्या में उपस्थित होकर भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हों। यहाँ यज्ञ के साथ साथ रोजाना 3 बजे से रामकथा का आयोजन भी होगा।
जेवीएम पार्टी के केंद्र महासचिव रह चुके अभय सिंह भाजपा पार्टी में शामिल होने के बाद पहली बार जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के साथ मुलाकात की। इस दौरान भाजपा पार्टी द्वारा एक बैठक की गई, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार, अभय सिंह समेत भाजपा के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं अभय सिंह ने कहा कि भाजपा पार्टी और मजबूती से अपना काम करेगी। और प्रांगण में जिस प्रकार माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी रघुवर जी जमीनी नेता हैं, पार्टी के बड़े नेता हैं, और मतांतर की लड़ाई तो हमेशा होता रहता है, लेकिन मनांतर नहीं था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमारा मात्र संगठन है। ये 14 वर्षों का वनवास नहीं बल्कि नियति का संगम है। अनियति को जो मंजूर होता है वह प्रकृति को मंजूर होता है, ईश्वर को मंजूर होता है, विधाता को मंजूर होता है, मनुष्य को मंजूर होता है, और आने वाले भविष्य और आने वाले रेखाओं को मंजूर होता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और इस कोण पे मिलना था। सरायकेला जिले के विभिन्न क्षेत्र में शिव भक्तों की भगवान शिव पर श्रद्धा रही है। ऐसे में राजनगर के चुका पहाड़ के 400 फीट ऊंची पहाड़ी पर सैकड़ों श्रद्धालु पहुंचकर भगवान शिव की पूजा अर्चना कर परिवार की सलामती मांगी। सरायकेला के दलमा बूढ़ा बाबा, जैदा बूढ़ा बाबा का सैकड़ों श्रद्धालुओं ने महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव का दर्शन कर पूजा अर्चना किया। वहीं राजनगर के चुका पहाड़ के 400 फीट की ऊंचाई पर श्रद्धालुओं ने पहुंचकर चुका बाबा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालु नंगे पांव इस पथरीली पहाड़ और जंगलों से कुमारी कन्याओं ने कलश लेकर चुका पहाड़ में स्थित महाकाल बाबा के मंदिर में कलश जल अर्पण किए। महाकाल बाबा से मांगते हैं और वो पूरा हो जाता है श्रद्धालु लोग का, और इसलिए पूरा होने के बाद वो मन्नत मांगने के बाद वो लोग और 10 आदमी को बोलते हैं धीरे धीरे कि इस तरह हम लोग का तो और बढ़ते चल रहे हैं, और इसमें भीड़ बहुत ज्यादा ही संख्या से मैंने भीड़ महाकाल बाबा में हो रहा है, और उनका मन्नत जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। ज्योतिर्लिंग जो है मैंने शिव जी, वहीं से शिव जी निकले हैं और ये उसी को लेकर हम लोग मानते हुए आ रहे हैं। शिव जी का आज पहले रूप में थोड़ा सा मैंने छोटा रूप में ही शिवलिंग का पत्थर था, अब धीरे धीरे शिवलिंग जो है ज्योतिर्लिंग पत्थर बढ़ते भी जा रहे हैं वहीं पर। और मैंने जमशेदपुर में विगत दिनों टाटा स्टील के अंदर हुए महिला कर्मचारी के साथ मारपीट और उसके बाद उसकी मौत के मामले पर बाकी दोषियों पर कार्रवाई की मांग झामुमो के द्वारा जिला प्रशासन के समक्ष उठाई गई है। इस संबंध में इन्होंने नगर पुलिस अधीक्षक को एक मांग पत्र सौंपा है। इस दौरान इन्होंने कहा कि मृतक कर्मचारी लक्ष्मी के साथ मारपीट और मौत के मामले में केवल पिटाई करने वाले युवक को आनन फानन में जेल भेज दिया गया, जबकि मामले में पुलिस ने टाटा मुख्य अस्पताल के सिक्योरिटी हेड के अनुसार FIR दर्ज किया है और मृतिका के परिजनों द्वारा दी गई FIR को दर्ज नहीं किया, और इस कारण बाकी दोषी खुलेआम घूम रहे हैं। इन्होंने मांग की है कि मृतिका के परिजनों के अनुसार FIR दर्ज कर दोषियों पर कार्रवाई की जाए। कर्मी लक्ष्मी सोरेन जी का बड़ी तरह से उसे मारा जाता है, घायल अवस्था में TMH में भर्ती किया जाता है। उसी का जो मामला है इस पर सही तरीके से पुलिस के द्वारा अनुसंधान या जो FIR है वो सही तरीके से नहीं किया गया। जब 15 तारीख को घटना घटती है 8 बजे, 12 बजे तक उसके परिजन हॉस्पिटल में आते हैं, उनसे बात करते हैं, लेकिन FIR दर्ज होता है 16 तारीख को, और दर्ज भी किसके द्वारा किया जाता है, TMH का जो सिक्योरिटी हेड है कोई सरायकेला के औद्योगिक क्षेत्र में मंदी से उबारने और औद्योगिक विकास के उद्देश्य से 3 दिवसीय इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो इंडोमैक 2020 का शुभारंभ किया गया। औद्योगिक क्षेत्र में विकास की परिकल्पना को लेकर एक नया प्रयास किया जा रहा है। इस 3 दिवसीय बिजनेस टू बिजनेस इंडस्ट्रियल मशीनरी एंड इंजीनियरिंग एक्सपो का शुभारंभ झारखंड औद्योगिक क्षेत्रीय विकास प्राधिकार जियाडा की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर नेहा अरोरा द्वारा किया गया। 21 से 23 फरवरी तक आयोजित इस एक्सपो में 3 दिनों में 1,500 से भी अधिक विजिटरों के आने की संभावना जताई गई है। साथ ही यहां 300 करोड़ से भी अधिक का व्यवसाय होने के कयास लगाए जा रहे हैं।
इंजीनियरिंग एक्सपो में देश और विदेश की 100 से भी अधिक नामी गिरामी कंपनियां शिरकत कर रही हैं। इसे हम लोगों का जो प्रोडक्ट है वो मतलब हर कंपनी में मतलब जाएगा कि मतलब इधर भी झारखंड में भी ये थर्मोकपल का कंपनीज है, तो समझ में आएगा लोगों को भी मतलब इंडस्ट्रियल को कि थर्मोकपल वगैरह यहाँ पे भी बनता है, तो दूसरी सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सिटी का भी फ़ायदा हो जाएगा। क्या बनाते हैं हम लोग? थर्मोकपल बनाते हैं, थर्मोकपल और RTD। सॉरी, किस तरह की कंपनी यहाँ पे आएंगी जो आपको फ़ायदा होगा? स्टील कंपनी वगैरह रहेगा, फार्मा रहेगा, उसमें ये सब अपना प्रोडक्ट जाता है, तो उन लोगों को फ़ायदा होगा। वैसे एक ही शेड के अंदर सर कारोबार हो जाएगा? हाँ हाँ, कहीं जाने की जरूरत नहीं, नहीं कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आमरा बंगाली के बैनर पर बंगला भाषा को राज्य भाषा का दर्जा देने की मांग के समर्थन में रैली निकाली गई। रैली सांची आम बगान से प्रस्थान कर DC कार्यालय पहुंची, रैली वापस लौट कर सांची गोल चक्कर पहुँच कर समाप्त हो गई। इधर संगठन की नेत्री रेखा महतो ने अंतर राज्य मातृभाषा दिवस पर रैली निकाली। उन्होंने बताया कि झारखंड में 80% लोग बंगला बोलते हैं, बावजूद झारखंड में बंगला को राज्य भाषा का दर्जा नहीं मिला है। रेखा ने जानकारी दी, सरकारी दफ्तरों में बंगला भाषा में भी कामकाज हो। ये जुलूस हम लोग साक्षी आम बगान से निकाले हैं, वहाँ से ये DC ऑफिस तक आई है, यहाँ मेमोरेंडम हम लोग देंगे, फिर यहाँ से ये साक्षी मार्केट के पास जाके गुलचक्कर में मीटिंग में तब्दील हो जाएगी। और ये जो हम लोग रैली निकाले, हम लोग का उद्देश्य है कि आज जो है अंतर्जातीय मातृभाषा दिवस है, तो इस मातृभाषा दिवस के उपलक्ष्य में हमने ये रैली निकाला है कि जो हमारा मातृभाषा मतलब होता है मदर टंग जो है झारखंड का बंगला होना चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो 80% लोग है उसका जो मदर लैंग्वेज है वो बंगला में है। तो हम लोग चाहते हैं कि झारखंड की जो राज्य भाषा है वो बंगला में होना चाहिए, और हमारा कुछ डिमांड है जैसे कि यहाँ की जो भी ऑफिस, ये सरकारी कागज जो भी है, सरकारी ऑफिस जो भी है, यहाँ पे बंगला में भी काम होना चाहिए, और झारखंड की जो भी साइन बोर्ड है इंग्लिश के साथ साथ बंगला में भी होना चाहिए, स्कूल कॉलेज जो है सारे में बंगला टीचर होना चाहिए, बंगला बुक्स होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भटके सैकड़ों युवाओं को मिशन त्रिशूल के तहत मुख्य धारा में जिला प्रशासन की ओर से चल रहे अभियान का निरीक्षण करने पहुंचे पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे। सरायकेला जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पुलिस के द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। झारखंड पुलिस की सिलेंडर नीति मिशन त्रिशूल की सफलता पूर्वक कार्य एवं कोचाई के राय जामा गोमिया डी के नवनिर्मित विकेट का निरीक्षण के लिए पुलिस महानिदेशक कमल नयन चौबे पहुंचे और स्थानीय लोगों से मिले और ग्रामीणों को क्षेत्र के विकास कार्य होने से रोजगार का साधन के बारे में बताया। वहीं राय जामा के स्थानीय युवक के बीच फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, विजेता टीम को पुरस्कृत भी किया गया। इस कार्यक्रम में कोल्हान एवं जिला सरायकेला के वरीय पदाधिकारी एवं CRPF के वरीयता पदाधिकारी शामिल थे। आज सरायकेला जिला में नक्सलियों के विरुद्ध जो ऑपरेशन त्रिशूल चल रहा है, तो उसका जायजा लेने के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक झारखंड पुलिस आए थे, श्री KN चौबे सर आए थे, और उनके साथ साथ जो है हम लोगों का ADG अभियान और IG अभियान, IG CRPF और DIG कोल्हान आए थे। जो इस ऑपरेशन बनाने के लिए जो कैंप्स नवसृजित कैंप्स बनाया गया था गोमियाडी एवं रायजमा, और दोनों कैंप्स का जायजा लिए और उधर नक्सलियों के विरुद्ध लड़ने वाले सभी जवानों का हौसला बढ़ाने के लिए हौसला बढ़ाए थे। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के आदेश पर एम्स दिल्ली की टीम ने किया MGM अस्पताल का निरीक्षण। लेडी के कल्याण विहार कॉलोनी में दिन दहाड़े चोरों ने घर में की चोरी, नगद और गहने ले उड़े चोर। उलीडी में नौकरी दिलाने के नाम पर हुई ठगी, मामला थाने में हुआ दर्ज। और महाशिवरात्रि पर मंदिरों में लगा रहा श्रद्धालुओं का तांता, भक्तों ने की पूजा अर्चना। अब तक के लिए बस इतना ही, सिटी न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।